हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम टू माय यूट्यूब चैनल, माई सेल्फ नीरज राजपूत। तो आज मैं थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 3 लेकर आया हूं। इस वीडियो के जरिए आज आप लोग को बताऊंगा कि थर्मोडायनेमिक्स लॉ क्या है और वो किस प्रकार से वर्क करते हैं, इसकी क्या डिफिनेशन होती है और उसको आप लोग किस प्रकार से समझ सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग को बता, जो ITI के स्टूडेंट हैं, अभी ITI में ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनके लिए मैंने फर्स्ट ईयर वालों के लिए और सेकंड ईयर वालों के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बना सकती है, जहां उस प्लेलिस्ट के जरिए आप लोग चैप्टर वाइज वीडियो देख सकते हैं। हर एक चैप्टर्स का वीडियो मैंने सीरियल से बना दिया है और भी जो नए वीडियो बन रहे हैं वो भी हम उसमें ऐड करते हुए जा रहे हैं चैप्टर वाइज। तो वीडियो शुरू करते हैं, आप लोग को दिखाते हैं आज की वीडियो। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स में 3 लॉ होते हैं। फर्स्ट लॉ है जीरोथ लॉ थर्मोडायनेमिक्स, और दूसरा जो लॉ है वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और तीसरा लॉ है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इनको आप लोग कैसे समझ सकते हैं, हम बात करेंगे जीरोथ लॉ की। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दिस लॉ स्टेट व्हेन टू सिस्टम आर ईच इन द थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड सिस्टम, द टू सिस्टम आर द आल्सो थर्मल इक्विलिब्रियम इन अदर। दिस लॉ प्रोवाइड द बेसिक टेम्परेचर मेजरमेंट, द जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। ये लॉ ये कहता है कि कोई भी संतुलित वस्तुएं हैं तो जब एक दूसरे के संपर्क में आ जाती हैं तो उनका दोनों का टेम्परेचर क्या होता है कि बराबर हो जाता है, एक दूसरे के संतुलन में उनका टेम्परेचर जो होता है कि संतुलित हो जाता है। और इस लॉ से क्या होता है कि हमको टेम्परेचर की एक मेजरमेंट मिलती है। तो इसको कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये 3 लोग हैं, एक का टेम्परेचर अभी 12 डिग्री है, एक का 15 डिग्री है और एक का 16 डिग्री है, और ये दो लोग जो हैं एक दूसरे से हाथ पकड़े हैं, ये भी एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं, तो ये क्या हुआ, एक संतुलन में आ गए हैं। कुछ समय बाद क्या होगा कि इन तीनों का जो टेम्परेचर होगा वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये लॉ यही कहता है कि कोई भी वस्तु जब एक दूसरे के संपर्क में रहेगी तो जो तीनों के बॉडी में टेम्परेचर का संतुलन होगा वो बराबर हो जाएगा। जिसका टेम्परेचर कम होगा या फिर ज़्यादा होगा वो एक दूसरे में हीट ट्रांसफ़र करके एक समय ऐसा आएगा कि इन तीनों का टेम्परेचर जो होगा कि बराबर हो जाएगा बिल्कुल। तो ये जो जीरोथ लॉ होता है यही बताता है कि कोई भी वस्तु एक दूसरे के संतुलन में है तो उसका टेम्परेचर क्या होगा कि बराबर हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे लॉ की, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसका एक पॉइंट कहता है कि द हीट एंड मैकेनिकल वर्क आर मैन्युअली कंसर्वर। जो हीट होती है वो मैकेनिकल वर्क में अपने आप कन्वर्ट हो जाती है। अकॉर्डिंग दिस लॉ व्हेन द क्लोज सिस्टम अंडर गोज द थर्मोडायनेमिक साइकिल। जो क्लोज सिस्टम होता है उसमें ये लॉ काम करता है। द नेट हीट ट्रांसफर इज द इक्वल टू द नेटवर्क ट्रांसफर इफ अनदर वर्ड्स साइकिल इंटर हीट ट्रांसफर इक्वल टू साइकिल इंटरगल वर्क द ट्रांसफर। तो कहने का मतलब है जितनी हीट होगी उतना ही वर्क होगा। और बी पॉइंट क्या कह रहा है कि द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड आर डिस्ट्रॉयड, थ्रू इट द कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फ्रॉम टू अनदर अकॉर्डिंग दिस लॉ व्हेन ए सिस्टम अंडरगोस ए चेंज ऑफ स्टेट आर थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस इन बोथ हीट ट्रांसफर एंड द वर्क ट्रांसफर टेक प्लेस, नेट एनर्जी ट्रांसफर स्टोर्ड विद द सिस्टम इज द नाउ एज द स्टोर्ड एनर्जी ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो इसका बी पॉइंट ये कहता है कि एनर्जी को ना ही बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। जो एनर्जी होती है वो नष्ट नहीं होती है और दूसरे चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। अभी जैसे कोई गाड़ी अगर है तो क्या होगा कि कोई किसी गाड़ी में हमने ईंधन जला, जो हीट हुई, हमने पेट्रोल डाला गाड़ी में पेट्रोल डाला, गाड़ी के इंजन ने क्या किया, मैकेनिकल वर्क किया, और मैकेनिकल वर्क से क्या हुआ, इंजन क्या हुआ कि
स्टार्ट हुआ और उसने कौन सा काम किया कि रनिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। इस प्रकार क्या होता है कि वो कोई भी एनर्जी नष्ट नहीं होती है और ना ही एनर्जी को हम बना सकते हैं और ना ही एनर्जी नष्ट होती है, एनर्जी दूसरे फॉर्म में चेंज होती रहती है। जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी दूसरे एनर्जी में चेंज होगी, ठीक है, इसी प्रकार एनर्जी नष्ट नहीं होती है, दूसरी फॉर्म में चेंज होती रहती है। अब बात करते हैं लास्ट और थर्ड तीसरे लॉ की। तो जो तीसरा लॉ है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, द थर्मोडायनेमिक्स में बी डिफाइंड इन द मैनी वेज बट द टू कॉमन स्टेटमेंट अकॉर्डिंग केल्विन प्लैंक एंड क्लेसियस आर द फॉलो। तो जो थर्ड लॉ है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसमें दो स्टेटमेंट हैं, इनमें दो विज्ञानिकों की स्टेटमेंट ली गई है, एक है केल्विन प्लैंक और दूसरे हैं क्लेसियस। तो केल्विन प्लैंक कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू केल्विन प्लैंक दिस इम्पॉसिबल टू द कंडक्शन इंजन वर्किंग एंड द साइक्लिक प्रोसेस हुज सोल पर्पज इज द कन्वर्ट हीट एनर्जी फ्रॉम ए सिंगल थर्मल रिसीवर कैन बी अ मैटर ऑफ वर्क। ये कहते हैं कि जितनी हमारी हीट लॉस हो रही है उसका 100% आउटपुट नहीं मिलता है, कोई भी ऐसी मशीन नहीं बनी है जो बिल्कुल 100% वर्क आउटपुट दे, कुछ ना कुछ लॉस होता है, कुछ ना कुछ हीट लॉस होता है। कोई भी हीट इंजन है वो जितनी हीट कर रहा है उसके आउटपुट में उतना वर्क नहीं होगा, कोई भी ऐसी मशीन नहीं बनी है जो बिल्कुल 100% आउटपुट देगी। यही दूसरे शब्द में भी कह रहा है, इन अदर वर्ड्स नो एक्चुअल हीट इंजन वर्किंग एंड द साइकिल प्रोसेस कैन कन्वर्ट फुल द हीट दैट सप्लाइड ऑफ द इंजन टू मैकेनिकल वर्क। वही बात कह रहा है कि कोई भी ऐसी मशीन नहीं बनी है कि जो जितनी हीट हम ख़त्म कर रहे हैं, जितनी हीट या कर रहे हैं वो पूरी मैकेनिकल वर्क में चेंज हो, कुछ ना कुछ लॉस होता है, यही केल्विन प्लैंक कहते हैं। अब बात करते हैं क्लेसियस स्टेटमेंट की। तो अकॉर्डिंग टू क्लेसियस स्टेटमेंट द इम्पॉसिबल फॉर द सेल्फ एक्टिंग मशीन वर्क इन द साइकिल प्रोसेस टू द ट्रांसफर हीट फ्रॉम ए बॉडी एट ए लोअर टेम्परेचर टू ए बॉडी एट द हाइगर टेम्परेचर विदाउट एड एन एक्सटर्नल एनर्जी, इन अदर वर्ड्स हीट कैन नॉट बी फ्लो इट सेल्फ टू द कोल्ड बॉडी एट द हॉट बॉडी विदाउट हेल्प एंड एक्सटर्नल एनर्जी। तो कहने का मतलब ये है, ये बता रहे हैं कि कोई भी दो पदार्थ हैं, एक का टेम्परेचर 20 डिग्री है और एक का टेम्परेचर 16 डिग्री है। तो ये कह रहे हैं कि कोई भी वस्तु अपने आप गर्म नहीं, कोई भी हीट है वो अपने आप दूसरे पदार्थ में नहीं जाएगी, उसके लिए एक साधन होना चाहिए। मान लो दो लोग यहाँ खड़े हुए हैं और जैसा कि टेम्परेचर का नेचर होता है कि वो हमेशा हाई से लो की ओर भागता है, तो कहने का मतलब यह है कि इनके बीच कुछ ना कुछ साधन लगेगा तभी इन दोनों की हीट ट्रांसफर होगी। क्लेसियस कहते हैं कि हीट ट्रांसफर करने के लिए कोई ना कोई एक साधन चाहिए, क्योंकि हीट अपने आप एक से दूसरे पार्ट में ट्रांसफर नहीं होगी, उसके बीच में कुछ ना कुछ साधन होना चाहिए, यही क्लेसियस स्टेटमेंट में बताया गया है। तो आप लोगों को थर्मोडायनेमिक्स लॉ समझ में आ गए होंगे, फिर भी आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप लोग हमको कमेंट में बता सकते हैं, हम आपके सारे डाउट को क्लियर करेंगे। और आप लोगों को और भी यदि कोई वीडियो चाहिए तो आप लोग हमको कमेंट करें, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो हमारा फर्स्ट ईयर वालों के लिए नया वीडियो आने वाला है टेम्परेचर पर, कि टेम्परेचर क्या है और टेम्परेचर जो होता है उसकी कितनी यूनिट होती है और उसकी स्केल्स क्या क्या होती हैं, सारा कुछ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।